हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। उससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एक वीडियो में, एक एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग इन ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। ठीक है, तो देखो ये सर्कल दे रखा है और ये इस पे तीन लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, रेशमा, सलमा और ये मनदीप। ठीक है, तीनों के तीनों सर्कल के ऊपर खड़ी हुई हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, तो रेशमा ने बॉल फेंकी किसकी तरफ, सलमा की तरफ। ठीक है, और सलमा ने फेंक दी मनदीप की तरफ। ठीक है, तो मनदीप टू रेशमा, मनदीप टू रेशमा। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मतलब रेशमा से सलमा की तरफ जो बॉल फेंकी उसकी जो डिस्टेंस थी वो यहाँ पर दे रखे 6 मीटर। ठीक है, और सलमा ने जो मनदीप की तरफ फेंकी उसकी भी डिस्टेंस दे रखे 6 मीटर, और हमें फाइंड आउट जो करनी है रेशमा से मनदीप या मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस हमें पता करनी है। ठीक है, तो यही पूछा इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, वो तो उसने हमें जो जो डिस्टेंस दे रखे पहले मैं उसको लिख देती हूँ। तो ये इसको इससे ज्वाइन कर दिया जहाँ पर वो खड़े हुए हैं सर्कल के ऊपर, जिससे हम इसकी डिस्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी है मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। किसको, ओ को एक एस के साथ। ठीक है, ऐसे, और इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ओ को एम के साथ और ओ को आर के साथ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने रेडियस भी दे रखी है, तो इसलिए रेडियस तो एक सर्कल की इक्वली होंगी। तो ओ आर कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि ये रेडियस है। ओ एम कितना हो गया, ये भी रेडियस है 5, और ओ एस कितना हो गया, ये भी 5 हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें ओ आर, देखो ये रहा ओ आर, अभी जो मैंने दिखाया ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, ये रहा ओ एम इक्वल्स टू ओ एस इजकल टू 5 मीटर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 मीटर उसने हमें रेडियस दे रखी है, और ये तीनों ही रेडियस है, सेंटर से जा रही है कहाँ पर, सर्कल पे जा रही है, मतलब सर्कमफ्रेंस पे जा रही है, तो तीनों की तीनों रेडियस तो इक्वल है। दूसरी चीज़ उसने हमें दे रखी है रेशमा से सलमा की डिस्टेंस और सलमा से मनदीप की डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा आर एस इक्वल्स टू एस एम, ये है 6 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें आर एम बोलो या एम आर बोलो, एक ही बात है कि बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे आर एस पे। ठीक है, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम दे देती हूँ एल। क्या नाम दिया मैंने, एल। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ऐसा क्यों लिखा, देखो ये ओ एल है जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया, और ये क्या है हमारा, आर एस है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, हमें ये पता है आर एस कितना है, 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये आर एल और एल एस को क्या करेगा, जब हमारे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या है हमारी थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो हमारा आर एल जो है, आर एल की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3, ये वाले कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि हाफ कर देगा इसका। ठीक है, 3 मीटर, क्योंकि मीटर में हमें उसने दे रखा है। अगर आप चाहो तो जो मैंने अभी थ्योरम बोली वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद करोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेंगे हम क्या, ओ एल आर, ओ एल आर, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है,
तो इसमें हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड क्या आ रही है, ओ आर आ रही है, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनस। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ आर तो उसने हमें दे रखा है क्योंकि रेडियस है, तो कितना है 5 का स्क्वायर, और आर एल हमने अभी पता कर लिया 3 का स्क्वायर, और ओ एल जो है वो हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस ओ एल स्क्वायर, हमें तो ओ एल ही पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे, ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 16। तो ओ एल इज इक्वल टू इसका रूट में ले आएंगे इसको 16, तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर, ठीक है। ओ एल तो हम निकाल चुके। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पर कर देती हूँ इसको, ठीक है, जिससे तुम्हें ड्राइंग भी दिखती रहेगी। तो ओ एल हमने कितना निकाल लिया 4 मीटर, ठीक। नेक्स्ट काम हम करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया, किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। अब ओ आर एस कहाँ पर है, देखो मैं इसको डार्क कर देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओ ये वाली लाइन थी हमारी, ओ आर ये रहा, ओ आर एस ये रहा, आर एस ठीक है, और ये रहा इसका, इस ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे हेरन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी एरिया निकल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रही हूँ, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब मैं लगा रही हूँ, तो देखो मैं इसमें लगाऊंगी हाफ, बेस हमारा क्या है, बेस को हम ले सकते हैं यहाँ पर आर एस, ये इसको हमने मान लिया आर एस ये वाला, ठीक है। तो आर एस हमने बेस मान लिया, तो इसमें परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्या हो गई, ओ एल ये वाला, ओ एल ठीक है। और ऐसे ही देखो तो इसमें ये भी मान सकते हो, इसको अगर बेस तुम ओ एस मान के, ये सॉरी बेस अगर तुम इसका आर वो क्या कहते हैं ओ एस मान लो, ये वाला मान लो, तो ये हो गया ओ एस इंटू, और इसमें हाइट फिर क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये वाली हो जाएगी, है ना, इसको एन नाम दे देते हैं। तो तुम्हारी हाइट फिर क्या बन जाएगी, आर एन बन जाएगी, आर एन, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा, चलो दोबारा से लिखती हूँ, हाफ इंटू आर एस इंटू ओ एल इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ एस इंटू आर एन। कुछ नहीं करा, देखो एक बार मैंने बेस जो आर एस को लिया है और एक बार मैंने बेस जो ओ एस को लिया है, तो जब हम आर एस को बेस ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ओ एल, ओ एल ठीक है, और जब हम बेस ओ एस को ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिर आर एन हो जाएगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। हाफ आर एस, आर एस हमारा कितना है 6 मीटर है, और ओ एल अभी हमने फाइंड करा कितना 4, तो ये 4 हो गया, है ना। और इसमें फिर हाफ ओ एस, ओ एस क्या हमारी रेडियस है, तो ये तो हमारा 5 है, और आर एन, आर एन तो हमको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर आर एन को आर एन ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो इस हाफ से ये वाला हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 5 इंटू आर एन, हमें क्या पता करना आर एन, और आर एन इसके किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवीजन में चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसके बाद जो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर एन की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 4.8, इसको डिवाइड करने से 4.8 मीटर निकल जाएगा। तो हमारा जो एम एन हो गया ये है, देखो एम एन ये भी कितना होगा, क्योंकि तो बाइस यहाँ से जा रहा है, तो बाइसेक्ट सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आर एन इजिकल टू एम एन होगा, है ना, ये क्या होगा आर एन इजिकल टू एम एन होगा। तो आर एन हमें पता चल गया, तो आर एम जो हमें डिस्टेंस निकालने, किससे किसके, मनदीप से रेशमा के बीच या रेशमा से मनदीप के बीच, तो आर एम इजिकल टू क्या होगा हमारा, आर एन प्लस एम एन,
आर एन प्लस एम एन, ठीक है। तो आर एन अभी हम निकाला 4.8, और ये बाइसेक्टर है तो क्योंकि सेंटर से जा रहा है कॉर्ड को, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एम एन की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी 4.8। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 8 8 16, 1 कैरी ओवर, तो 9.6 मीटर इन दोनों की डिस्टेंस निकल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।